हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हो बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज एक नया वीडियो लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। हाँ दोस्तों, इस वीडियो में दिखाएंगे आप लोगों का जो ये जो वायरलेस माइक दिख रहा है, इस माइक को आप लोग परचेस करने जाओगे तो 2500 से 3000 रुपया आपका जो लगेगा। तो आप लोग बहुत ही आसानी से एक नेक बैंड या आपका ब्लूटूथ जो हेडफोन है उसको यूज करके आप इसका काम चला सकते हो, वो भी अच्छा खासा। आप लोग पास अगर बजट नहीं है तो ये खरीदने का, तो आप लोगों के पास एक नेक बैंड जो वायरलेस ब्लूटूथ हेडफोन है तो उसको यूज करके आपका काम चला सकते हो, वो भी अच्छा साउंड क्वालिटी आपको मिलेगा। तो कैसे, इस वीडियो में दिखाएंगे। तो दोस्तों, नया नया जब यूट्यूबर यूट्यूब में आता है उस टाइम उसका पैसा ज्यादा नहीं रहता, बजट ज्यादा नहीं रहता, इसके लिए उसका जो एक वायर वाला माइक खरीद लेता है जिसमें साउंड क्वालिटी भी अच्छा नहीं रहता और वायर भी इधर उधर लपेट के रखता है तो दिक्कत होता है उसको वीडियो बनाने। जो लोग बनाते हैं ब्लॉग वगैरह तो लोगों का बहुत ही दिक्कत होता है, क्योंकि पब्लिक प्लेस में जब वीडियो बनाओगे तो वायर वाला माइक जो है उसको लेकर बहुत ही दिक्कत होता है। तो आपका जो नेक बैंड है या ब्लूटूथ हेडफोन है तो उसको यूज करके आप लोग बहुत ही आसानी से आपका जो ब्लूटूथ माइक का जो वायरलेस माइक का काम चला सकते हो, वो भी बहुत ही अच्छा खासा, उसमें नॉइज कैंसिलेशन भी हो जाता है। तो दोस्तों, हम जो बात कर रहे हैं, हमारा जो वॉइस क्वालिटी आप लोगों के सामने आ रहा है तो वो भी एक नेक बैंड का ही है। आप लोगों को दिखाते हैं हमारा बात कैसे वो नेक बैंड से रिकॉर्ड हो रहा है। तो देख सकते हो दोस्तों, ये जो नेक बैंड है इसी से हमारा जो वॉइस रिकॉर्डिंग हो रहा है वो भी अच्छा खासा। इधर जो बहुत नॉइस है वो भी इसमें कैंसुलेट कर रहा है। तो हम जब सऊदी आ रहा था, हेलो हेलो, देख सकते हो, तो हम जब सऊदी आ रहा था उसी टाइम इसको इंडिया से खरीद के लाया था, तो इसका प्राइस लगभग 290 का लिया था, ये 300 का है लगभग। तो अभी इसमें अच्छा खासा जो साउंड क्वालिटी है सुन सकते हो आप लोग, तो इससे मिल रहा है। तो आप लोग अगर थोड़ा और भी पैसा लगा के 500 या 1000 तक लगा के अच्छा खासा नेक बैंड खरीद लोगे तो उससे आपका काम चला सकते हो, वो भी वायरलेस माइक का। तो दोस्तों, इस वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को दिखाएंगे कैसे आपका जो नेक बैंड है वो माइक की तरफ वर्क करेगा और कैसे उसको कनेक्ट करोगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिखाया है इस वीडियो में। अगर चैनल में नया हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में रहिए। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो नेक बैंड को कनेक्ट करने के लिए हमको एक ऐप का जरूरत पड़ेगा जो माइक की तरह वर्क करेगा। तब जाके तुमको दो ऐप्स दिखाएंगे, पहले से अगर काम नहीं करेगा तो दूसरे से 100% करेगा, क्योंकि किसी किसी का पहले वाला करता है, किसी किसी का दूसरा वाला करता है। तो बहुत लोग कमेंट किया है तो भाई पहले वाला काम नहीं कर रहे, तो हम इसीलिए दो लेकर आया। जो बहुत लोगों का कहना है, ये बहुत लोग कमेंट कर दिया जो भाई इसमें काम नहीं करता सही से, तो इसीलिए दो ऐप्स लेकर आया। दोनों में किसी एक में आप लोगों का जो है कनेक्ट हो जाएगा और वर्क करेगा आपका जो नेक बैंड है वो माइक की तरफ। तो चलो, तो पहले जो एप्लीकेशन दिखा रहा है प्ले स्टोर जो है उसमें अवेलेबल नहीं है, तो हमको उसको जो है गूगल से डाउनलोड करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमारा क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेंगे। तो ये जो क्रोम ब्राउजर है इसको ओपन कर लेंगे। इसको ओपन करने के बाद सर्च बार में हम सर्च कर लेंगे एपीके प्योर। तो एपीके प्योर सर्च कर लेंगे तो ऐसा एक वेबसाइट खोल के आ जाएगा। तो इसमें हम क्लिक कर देंगे। इसमें क्लिक करने के बाद देखो, ये जो कोने में एक सर्च का ऑप्शन दिखा रहा है मैग्नीफायर ग्लास का, तो इसमें क्लिक कर दिए, इसमें क्लिक कर दीजिए। इसमें क्लिक करने के बाद ये जो सर्च बार आया, तो एपीके प्योर का जो सर्च बार आया इसमें क्लिक करके हम सर्च करेंगे इधर से बीटी मोनो। तो ये वाला ऐप पे अगर आपका काम नहीं होगा तो दूसरा वाला ऐप से 100% हो जाएगा। अगर दूसरा वाला में नहीं हो रहा है तो ये वाला में हो जाएगा। तो देखो, इधर से सर्च कर लिया बीटी मोनो। तो देखो, हमारे सामने एप्लीकेशन खोल के आ गया, देख सकते हो ये वाला। तो यही वाला भाई डाउनलोड करने का, दूसरा
दूसरा करोगे तो मुश्किल हो जाएगा, उसमें कनेक्ट नहीं होगा। तो इधर जो डाउनलोड का ऑप्शन दिखा रहा है इसमें क्लिक करके डाउनलोड कर लो। तो उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं, तो ये जो नीचे डाउनलोड एपीके का ऑप्शन है इसमें क्लिक कर दीजिए। तो इसमें क्लिक करने के बाद देख सकते हो नया पेज खोल के आ गया। तो इसको थोड़ा स्क्रोल अप करके नीचे डाउनलोड एपीके का और एक फाइल और एक ऑप्शन दिखेगा इधर। तो ये 2.2 MB का ऐप्स है, इसको इधर से क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। तो देखो हमारे सामने नोटिफिकेशन आ गया, तो हम पहले से डाउनलोड किया हुआ तो इसीलिए डाउनलोड अगेन दिखा रहा है इसमें। तो आप लोग अगर पहले बार लोड कर रहे हैं तो इसको ये नहीं दिखाएगा। तो इसके बाद ये जो 3 डॉट का ऑप्शन है इसमें क्लिक कर दीजिए। उसके बाद ये जो डाउनलोड का ऑप्शन है इसमें क्लिक कर दीजिए। तो देखो हमारे सामने जो ऐप्स डाउनलोड हो रहा है अभी दिखा रहा है, तो हमारा ऐप जो है डाउनलोड हो रहा है। तो ये ऐप्स डाउनलोड होने के बाद देखो हमारा ऐप जो डाउनलोड हो गया है इसमें क्लिक करके हम इसको इंस्टॉल करेंगे। तो ये जो नीचे इंस्टॉल का ऑप्शन दिखा रहा है इसको क्लिक करके हम इंस्टॉल कर लेंगे। तो इसमें इंस्टॉल करने के बाद दिखाते हैं आप लोगों को, तो ये जो ओपन का ऑप्शन दिखा रहा है ओपन में क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये जो ऑन और ऑफ का ऑप्शन दिखा रहा है दो, तो इसमें दबा के आप लोग ऑन में दबा के ऑन कर सकते हो, ऑफ में दबा के ऑफ कर सकते हो। तो देखो इधर से ऑन कर दिया हम, तो ये जो नीचे वॉल्यूम का ऑप्शन है मीडिया वॉल्यूम का, तो इसको इधर घटा बढ़ा के इसको मीडिया वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हो। तो उसके बाद ये जो ऑफ वाला ऑप्शन है इसमें क्लिक कर देंगे तो हमारा जो है ऑफ हो जाएगा। तो ऐसे ऑन ऑफ कर सकते हो आप लोग। ये जो रेंडोइड का जो सिंबल है ये अगर हाथ ऊपर कर देगा तो ऑन है, अगर हाथ नीचे कर देगा तो ऑफ है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, जो एप्लीकेशन है इसको ऑन करके आप लोगों का जो ब्लूटूथ नेकबैंड है उसको कनेक्ट करके, उसके बाद आपको जो फोन का कैमरा है उसको ऑन करके देखना है वॉइस आपका ब्लूटूथ से रिकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं। अगर ब्लूटूथ से रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, दूसरा जो एप्लीकेशन दिखा रहा है उसमें हो जाएगा। तो चलो इधर से देख लेते हैं कैसे वो करते हैं। तो उसके लिए हमारा जो वो जो एप्लीकेशन है वो अभी प्ले स्टोर में अवेलेबल है, तो प्ले स्टोर खोल लेंगे इधर से। तो प्ले स्टोर खोल लेने के बाद देखो हमारे सामने प्ले स्टोर ओपन होके आ गया। तो इसका सर्च बार में लिख देंगे वही वाला बीटी मोनो करके लिख देंगे। तो इधर लिखने के बाद देखो हमारा सर्च कर देंगे, तो देखो ये जो ए ऐप दिखा रहा है यही वाला डाउनलोड करने का, यही वाला डाउनलोड कर लो तो आपका काम जो है हो जाएगा। तो दूसरा ऐप डाउनलोड करोगे तो नहीं होगा, तो यही वाला डाउनलोड कर लो। तो देखो इंस्टॉल का ऑप्शन आ गया हमारे सामने, तो इसको हम इंस्टॉल में क्लिक करके इंस्टॉल कर लेंगे। तो देखो हमारा ऐप जो है इंस्टॉल हो रहा है अभी। तो इंस्टॉल होने के बाद ये जो देखो ओपन का ऑप्शन है इसमें क्लिक कर दीजिए। इसमें क्लिक करने के बाद तुमको क्या करना है, तुम्हारा ऐप जो है ओपन हो जाएगा। तो इसमें कुछ है आप लोगों का, तो ये पढ़ सकते हो आप लोग, और नहीं तो जो एरो का ऑप्शन है इसमें क्लिक करके आप लोग और भी आगे जा सकते हो। तो देखो हमारा ये जो नीचे स्टार्ट का ऑप्शन है इसमें क्लिक कर देंगे हम। तो उसके बाद देखो इधर एक नोटिफिकेशन है आप लोगों के लिए, तो इधर एक नोटिफिकेशन है आप लोगों के लिए जो है ट्रायल पीरियड विल एक्सपायर इन 7 डे। तो इसका जो टाइमिंग है वो 7 दिन के अंदर आपका खत्म हो जाएगा, उसके बाद इसको परचेस करना पड़ेगा। तो इसको परचेस करने का कोई जरूरत नहीं है, फ्री यूज करोगे, क्योंकि ये जब खत्म हो जाएगा 7 दिन उसके बाद फिर से अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लोगे तो फिर से 7 दिन आपको मिलेगा। तो ये जो नीचे प्रेस टू एक्टिवेट ऑप्शन दिखा रहा है इसमें आप लोग क्लिक कर दोगे तो आपका जो एप्लीकेशन है ऑन हो जाएगा। तो देखो इधर हम प्रेस कर दिया तो देखो एरर करके आ गया। तो इसमें ब्लूटूथ हमारा जो नेक बैंड है वो कनेक्ट नहीं है, कोई भी ब्लूटूथ डिवाइस हमारा कनेक्ट नहीं है इससे, इसीलिए नहीं हो रहा है। तो हम एक ब्लूटूथ डिवाइस इधर से कनेक्ट कर लेंगे। तो देखो हमारा ब्लूटूथ सेक्शन में आ गया, तो ये जो नीचे हमारा एक नया ब्लूटूथ का डिवाइस है उसको कनेक्ट कर लेंगे। तो उसको कनेक्ट करने के बाद देखो हमारा सामने वो वाला कनेक्ट हो गया। अभी वही वाले ऐप्स को हम ओपन कर लेंगे। तो ऐप को ओपन कर लेने के बाद देखो हमारे सामने ये जो प्रेस टू एक्टिवेट ऑप्शन दिखा रहा है इसमें क्लिक करने के बाद देखो हमारा ऐप जो है वो ऑन हो गया, नोटिफिकेशन आ गया ऊपर।
तो ये जो नीचे वॉल्यूम का ऑप्शन दिखा रहा है, इसमें तुम कम ज़्यादा कर सकते हो। जो फ़ोन का वॉल्यूम है वो कम ज़्यादा हो जाएगा आप लोगों का इधर से। और ये जो नीचे टेस्ट का ऑप्शन है, इसमें टेस्ट कर सकते हो। तो और इधर सिलेक्ट आउटपुट का ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें आउटपुट सिलेक्ट भी कर सकते हो। तो बहुत ही आसानी से आप लोग कर लोगे ये वाला। और ये जो ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके बंद कर सकते हो इसको। तो देखो हमारा जो अभी एप्लीकेशन, हमारा जो एप्लीकेशन है अभी चालू हो गया है। तो हमको अभी हमारा जो कैमरा है उसको ओपन कर लेना है, उसके बाद वीडियो रिकॉर्ड करके देखना है साउंड रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं। तो हमारा लास्ट यही काम है, तो करके देखो हो रहा है या नहीं। तो दोस्तों देख लिया कैसे बहुत ही आसानी से आपका जो एयरपोर्ट है या नेक बैंड है उसको ब्लूटूथ माइक के तरफ यूज करके आप लोग बहुत ही आसानी से आपका वॉइस जो है रिकॉर्डिंग कर सकते हो, वो भी नॉइस कैंसिलेट के साथ। जो दो एप्लीकेशन दिखाया, पहले वाला अगर नहीं हो रहा है तो दूसरे वाला ट्राई करो, तो 100% आपका हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो से अगर थोड़ा सा भी नॉलेज मिला तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में रहिए। और वीडियो को अगर ज़रा सा भी अच्छा लगा एक लाइक कर दीजिए, और कमेंट करके बताइए आप लोगों का क्या प्रॉब्लम हो रहा है। आप लोग अगर देखना चाहते हो कैसे हम ये नॉइस कैंसिलेट करके, हम इधर बहुत ही नॉइस है तो इसको कैंसिलेट करके कैसे हम वीडियो बनाते हैं, पीछे जो स्टूडियो वगैरह लगाया बैकग्राउंड वगैरह इसको रिमूव करके फिर से लगाते हैं, ये सारा चीज़ अगर देखना है तो ये बाजू में जो वीडियो दिख रहा है इसमें क्लिक करके देख सकते हो। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही है, मिलेंगे दूसरा वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।